दोस्तों, आपका मेरे होम गार्डन केरल में स्वागत है और आज मैं आपको पीस लिली पौधे की कुछ जानकारी साझा करूँ। यह पौधा पीस लिली है। यह पौधा मैंने पिछले साल ही मंगवाया है और एक छोटा सा पीस में इसका लाया था, इस टाइप का, ये देखिए इस टाइप का, और मैंने इसे गमले में लगाया था। आज ये देखिए इसमें कितनी ब्रांचें निकल आई हैं, बहुत ब्रांचें निकल आई हैं। देखिए अलग अलग ब्रांचें हैं, देखिए अलग अलग ब्रांचें निकल आई हैं इसकी। तो ये दोस्तों, आज मैं इन ब्रांचों को काटकर अलग अलग गमलों में लगाऊंगा, जो कि इस पौधे की क्वालिटी है कि ये ब्रांच दूसरे गमले में भी लग जाती है। चलो शुरू करते हैं। पहले हमें इस पौधे को इस गमले से निकालना है। इस पौधे को देखो, मैं इससे निकालूंगा। इसमें मैंने पहले थोड़ा पानी डाल दिया था, वरना निकलेगा नहीं। अब ये देखें कैसे जड़ें इसमें फैल गई हैं। छोटा सा पौधा था, इसमें देखिए अब जड़ कितनी जड़ें इसमें हो गई हैं। देखिए अलग अलग इसमें काफ़ी ब्रांचें हो गई हैं। पहले बीच की ब्रांच थी, ये कितनी बड़ी हो गई है देखिए। अभी मैं इन ब्रांचों का विच्छेदन करूँगा। देखिए उससे पहले हमको दोस्तों इसकी मिट्टी हटानी है। मिट्टी के लिए हम ऐसे भी हटा सकते हैं, लेकिन ये लोग डालेंगे तो बाल्टी में आराम से इसकी मिट्टी छूट जाएगी। देखिए दोस्तों, इस पौधे के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए इस पौधे का नाम ही इसके गुणों के आधार पर रखा हुआ है। इसका नाम है पीस लिली, मतलब घर में शांति बनाए रखना। और शांति कब होगी? जब विशुद्ध वातावरण, घर की वायु साफ शुद्ध होगी तभी शांति होगी। इस पीस लिली पौधे का यही गुण है कि यह इसको इस सूची में अग्रणी बनाता है। इस पौधे को घर की हवा को शुद्ध करने वाला पौधा माना जाता है। यह पौधा वायु को 60% तक साफ कर देता है। पीस लिली को कई नामों से जाना जाता है, जैसे पीस लिली, कोबरा, इस्पात, इस्पाती फिल्म। यह पौधा हाउस प्लांट के में मुख्य स्थान रखता है तथा सबसे अधिक जाना जाता है। तथा यह पौधा मूल रूप से अमेरिका और दक्षिण पूर्वी एशिया का मूल निवासी माना जाता है। अब देखिए मैं इसको अलग करूँगा, जो एक्स्ट्रा जड़े दोस्तों, पहले मैं जो इसकी एक्स्ट्रा जड़े हैं वो थोड़ा काट देता हूँ। अब इसको हम पौधे को थोड़ा स्केटर्ड करेंगे अलग अलग। उसमें देखिए आराम से ये निकलेगा नहीं, तो देखिए ये निकल गया। एक पौधा देखिए ये निकल गया है आपका। अब इनको अलग अलग गमलों में हम लगाएंगे। पांच पीस है, तीन ही होंगे, दो ही होंगे। एक पीस लाया था मैं, देखिए इस टाइप से एक पीस लाया था। और इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देना चाहता हूँ। इस पौधे में जो फूल है दोस्तों, बसंत ऋतु में आते हैं। पीस लिली पौधे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर लगते हैं। आमतौर पर तब ये अच्छे लगते हैं जब इस पर गहरे हरे रंग के पत्ते और सफ़ेद फूल होते हैं। ये पौधे जहाँ स्थान पर रखे जाते हैं उस स्थान को खुशनुमा बना देते हैं। आयु 3 से 4 वर्ष होती है। यह जब तक नहीं सूखेगा सुंदरता बिखेरता रहता है। अब इसको हम पौधे को लगाते हैं, गमलों में लगाते हैं। पहले तो जो पौधा था उसी को मैं लगाता हूँ इस गमले में। थोड़ी देखिए मिट्टी डालता हूँ मैं इसमें, ये शुद्ध मिट्टी है बड़ी। तो इसका मेन पौधा, ये इसका मेन पौधा है। इसकी जड़ थोड़ी और छोटी कर सकते हैं, ज़्यादा लंबी जड़ें हैं फिर ये बढ़ता भी नहीं है। मिट्टी को थोड़ा हम करवाते हैं ताकि ये ठीक से
कंपैक्ट हो जाए और बाद में नीचे बैठे ना। अब ये वही मेन प्लांट है इसका, देखिए वही मेन प्लांट है इसका। अभी हमें प्रचुर मात्रा में पानी डालना है, ज्यादा ज्यादा पानी डालना है। दोस्तों इस पौधे के रख रखाव के बारे में थोड़ा बताऊंगा। इस पौधे को रोग रहित मिट्टी में ही लगाना चाहिए तथा पौधा लगाने के बाद भरपूर मात्रा में पानी देना चाहिए। जो मैं इसमें डालूंगा, इस पौधे को लगाने के बाद सीधे धूप में नहीं रखना चाहिए, हो सके तो घर आंगन में ही रखना चाहिए। इस पौधे को अमोरे और बैंजिन जैसे रोगों में इसका इलाज इसको इलाज में प्रयोग किया जाता है। ये पौधा मैं इसमें लगाता हूँ, ये बड़ा वाला लगाऊंगा, ये वाला। इसकी भी जड़ मैं थोड़ी इसका टक करता हूँ, वैसे तो फैल जाएंगी ना, पर ज़्यादा जड़ें भी जगह लेती है तो दिक्कत ही होती है। मैं मिर्ची डालूंगा, क्या हो सकता पड़ेगी इसमें और डाल देंगे। दोस्तों पीस लीजिए का एक हैंगिंग पौधा भी हम लगाएंगे जो दरवाजे पर, आप इसको टांग सकते हैं, कहीं भी इसको टांग सकते हैं। इसकी जड़ें दब गई, ये चार तरफ जड़ जब दब जाएंगी तो फिर ये अपना आप ही इसमें भी हम पानी डाल देंगे। ये हमारा एक हैंगिंग पॉट हो गया। यह पौधा फैमिली डिहाइड्रेट और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जैविक गैसों को बेअसर करता है। अगर बाथरूम में इस गमले को रख दें तो वहाँ पे फफूंदी पैदा नहीं होती है। जो बाथरूम में फफूंदियाँ हो जाती हैं वो इसकी वजह से नहीं हो गई। अगर शयन कक्ष में रखें तो यह कमरे में फफूंदी पैदा नहीं होने देता। पीस लिली का पौधा शयन कक्ष में रखें तो दमे के रोगी को बहुत फायदा देता है। और दोस्तों मैंने ये सब पौधे तैयार कर दिए हैं। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों आने वाली जानकारी इस बारे में लेने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।